फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS Team Education में। आइए हम लोग पुनः एक बार शुरू करते हैं आज नया टॉपिक क्लास 11th भौतिक विज्ञान, जो लेसन चल रहा था डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पढ़ लिया था। डायमेंशन कैसे बनाते हैं हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, और मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग उसको बनाए होंगे। और अब हम लोग शुरू करेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बीमाओं के अनुप्रयोग क्या है? तो बीमा के बारे में मैंने बताया था कि बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बीमाओं के अनुप्रयोग हम लोग देख लेते हैं। तो बीमाओं के निम्नलिखित तीन अनुप्रयोग हैं। बीमाओं के अनुप्रयोग कितने हैं? तीन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बीमाओं के अनुप्रयोग क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए और आप वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हाँ, ये समस्या है। यदि कोई समस्या होती है तो जरूर आप हमें बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बीमाओं के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बीमाओं के तो निम्नलिखित तीन अनुप्रयोग हैं। बीमाओं के अनुप्रयोग कितने हैं? तीन। तो जब बीमाओं के अनुप्रयोग तीन है, जब हम बीमा को जान गए, तो बीमा के अनुप्रयोग, बीमा के लाभ क्या है, कैसे बीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीमाओं के अनुप्रयोग में, बीमाओं का अनुप्रयोग पहला है कि किसी एक भौतिक राशि को किसी एक पद्धत से दूसरे पद्धत में बदलना। ऐसे कह सकते हैं कि बीमाओं के अनुप्रयोग में एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। दूसरा है दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने, सत्यता की जांच करने में। और तीसरा है सूत्र की व्युत्पत्ति करने में। सूत्र की, तीसरा क्या है? सूत्र की व्युत्पत्ति करने में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीमाओं के निम्नलिखित तीन अनुप्रयोग हैं। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा है सूत्र की व्युत्पत्ति करना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्रम से एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बीमा तो हम लोग जान चुके हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे किसी भी भौतिक राशि को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों को पहला पढ़ना है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें सम्मिलित होती हैं। यानी कि भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। आंकिक मान और मात्रक। यदि भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं, आंकिक मान और क्या, मात्रक। ध्यान दीजिएगा, आंकिक मान को स्मॉल n से दर्शाएंगे और मात्रक को स्मॉल u से दिखाएंगे। स्मॉल n का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और u का मतलब हो गया यूनिट, यानी कि n u किसी भी भौतिक राशि में आंकिक मान और मात्रक होते हैं। तो अब देखिए, हम शुरू करते हैं कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलेंगे। यदि हम मान लें कि माना किसी भौतिक राशि के दो पद्धतियों में आंकिक मान और मात्रक निम्न प्रकार हैं। यदि हम मान लें कि माना कोई भौतिक राशि Q
माना कोई भौतिक राश क्यू क्यू माने क्वांटिटीज राश फिजिकल क्वांटिटीज माने राश माना कोई भौतिक राशि क्यू जिसके जिसके दो पद्धतियों में आंकिक मान N1 व N2 तथा मात्रक U1 व U2 है। आंकिक मान कितना हो गया N1 N2 और मात्रक कितना हो गया U1 और U2। जो N1 U1 है पहली पद्धति में है और N2 U2 है दूसरी पद्धति में, जैसे CGS में होगा, चाहे FPS में होगा, चाहे MKS में होगा। तो देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं भौतिक राशि Q बराबर N1 U1, अच्छा है इसी को लिख सकते हैं N2 U2। बात समझिएगा, Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, यह पहली पद्धति है और यह दूसरी पद्धति, यानी कि भौतिक राश का पहली पद्धति में है और ये दूसरी पद्धति में। यदि हम मान लें कि माना द्रव्यमान लंबाई तथा समय, माना द्रव्यमान लंबाई तथा समय की विमाएं क्रमशः स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो, अगर इतना हो तो हम पहली पद्धति में लिख सकते हैं, पहली पद्धति के लिए। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान के लिए जो बीमा हम लिखे हैं ए, तो देखिए द्रव्यमान के रूप में अगर बीमा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो घाते हैं ए बी सी। अगर हम द्रव्यमान के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं बीमाओं में, तो कैपिटल एम का लंबाई के लिए कैपिटल एल का और समय के लिए कैपिटल टी का। तो अगर हम पहली पद्धति में निकालें तो लिख सकते हैं U1 माने मात्रक आपका U1 का मान लिख सकते हैं M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C। और दूसरी पद्धति में इसी को लिख सकते हैं M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम यहां लिखे हैं कि पहली पद्धति में जो मात्रक है द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, द्रव्यमान के लिए M1 L1, द्रव्यमान के लिए M1, लंबाई के लिए L1 और समय के लिए T1 पहली पद्धति के लिए, और दूसरी पद्धति के लिए M2 L2 और T2। तो इनकी बीमाएं जो है ABC से अगर हम दर्शा दें, यानी कि यही जो बीमाएं इनकी है, तो M1 के पावर P1 L1 पर B और T1 पर C, इसी तरीके से M2 L2 पर इतना। तो अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर, इसी में इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, तो N1 बराबर U1 का मान हम यहां रख रहे हैं, तो U1 का मान रखेंगे तो M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C। ये तो पहला हो गया, इसमें अगर हम लोग रखें आगे तो N2 और उसके बाद से कितना हो जाएगा U2 का मान, तो M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C। तो हम क्या देख रहे हैं, यह पहली पद्धति का है और यह दूसरी पद्धति का। तो हम लोग, ये तो चूंकि भौतिक राशि की माप है, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं N1 कोष्ठ में M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C और बराबर N2 कोष्ठ में M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर C। अगर यहां से जिसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हम N2 का मान निकालना चाहते हैं, N2 का मान निकालना चाहते हैं तो N1, और देखिए यहां पर M1 है, यहां पर M2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 बटे में M2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी पावर A है, यहां पर भी पावर है, तो इसका पूरे का पावर हम A लिख सकते हैं। और इसी तरीके से L1 और बटे में L2 का पावर B और इसी तरीके से T1 और बटे में T2 का पावर C। हम लोगों ने ये एक सूत्र बनाया, यानी कि अगर कह दे
कि किसी भौतिक राशि का दूसरे पद्धति में मान कितना होगा, तो N2 का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं और इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग इसी चीज पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी पे हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, सॉरी गलत लिखा गया है, बदलना, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। अगर हम लिख दें कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे, ध्यान दीजिए बल का मात्रक, बल का एसआई में मात्रक न्यूटन होता है और सीजियस में उसका मात्रक डाइन होता है। तो यही हम लोगों को निकालना है। तो एक न्यूटन में ध्यान दीजिए N1 बराबर एक है, N1 बराबर एक, ध्यान दीजिए जो अंक देगा वह N1 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, N1 का मान एक, और न्यूटन दिया है तो न्यूटन माने E1, माने मात्रक क्या दिया है E1 का मान न्यूटन है। अब ध्यान ये दीजिए कि अब आपको न्यूटन की यहां बीमा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और हम लोगों को एक पद्धति से दूसरे में निकालना है, तो ये तो मात्रक आपका न्यूटन है, तो न्यूटन की बीमा लिखनी होगी। तो न्यूटन की बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। मुझे याद है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोग बीमा जरूर ज्ञात करना सीखे होंगे और आप आसानी से जानते होंगे कि न्यूटन या बल की बीमा MLT-2 होती है। अगर जिनको बीमा ये नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछला वीडियो देखिएगा, आप बीमा समझ लेंगे। तो MLT-2, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम बराबर लिख रहे हैं, एक चीज ये समझिएगा कि यह U1 है तो यहां लिखेंगे M1, और यहां पर क्या लिखेंगे L1, और यहां पर क्या लिखेंगे T1। और ध्यान दीजिए अब आप कहेंगे कि इसके ऊपर A, B और C, तो यहां पर A, B, C क्यों नहीं लिखा गया है, तो ध्यान ये दीजिए यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है, लेकिन इस A के जगह पर M का मान कितना है, एक है, L1, और यहां पर B जो है वहां पर कितना है, एक है, और यहां पर T1, और यहां पर जो C होगा तो यहां पर कितना है, तो -2 है, तो ABC के रूप में यहां पर घात है, वही ABC जो है यहां पर वो इसके घात को दर्शा रहा है, पावर को। इसी तरीके से अब देखिए कितने डाइन होंगे, तो कितने डाइन माने N2 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, और U2 का मान कह रहा है कि डाइन, U2 माने डाइन, और डाइन चूंकि बल का सीजीएस में मात्रक डाइन होता है और उसका बीमा भी निकालेंगे, तो इसका भी बीमा वही होगा, इसका भी बीमा होगा MLT-2, क्योंकि बल का डाइन का अगर बीमा निकालेंगे तो सेम ही होगा, बशर्ते उसमें अंतर ये है कि पहले बल जो है MKS में है, बल का जो मात्रक न्यूटन जो है MKS में है, और जो डाइन है वह सीजीएस में है। तो अब देखिए इतना ही होगा, लेकिन यहाँ दूसरी पद्धति है, तो यहाँ पर M2, L2 और T2, और सेम प्रोसेस यहाँ पर वही सूत्र यही लगेगा। चलिए हम इस सूत्र को यहाँ लिख दिए, मान लीजिए कि हमने इस सूत्र को यहाँ पर लिख दिया, अब आपको ज्ञात क्या करना है, N2, तो N2 बराबर, अब ध्यान दीजिए M1, इसमें देखिए M1 है तो यहाँ पर लिख देंगे M1, और बटे में M2 भी है ना, तो M2, और देखिए इसका पावर A है सूत्र में, तो हमने कहा कि यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं, अर्थात कितना है, एक है, तो हम एक चाहेंगे तो लिख सकते हैं इस एक के जगह पर जो हम बता रहे थे पीछे एक। और उसी तरीके से L1 है तो L1, और बटे में L2 है यहां पर, तो इसमें भी देखिए L2 L1 L2 है, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, है तो लिख रहे हैं, इसका भी पावर कितना है, एक, कुछ नहीं है तो एक पावर है। और उसी तरीके से यहां पर T1 है, यहां पर T2 है, तो T1 और बटे में T2, और इसका पावर कितना है, -2, इसका पावर -2, क्योंकि यहां पर -2 है। अब देखिए ध्यान ये दीजिए, अब आपको ये समझना होगा कि न्यूटन जो दिया है,
तो पहली पद्धति में जो बल का मात्रक दिया होगा वह किसमें होगा? किलोग्राम मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान पहला किसमें दिया होगा? किलोग्राम में द्रव्यमान। उसके बाद से दूरी किसमें होगा? मीटर में। और समय किसमें होगा? सेकंड में। अगर डाइन वाले को देखेंगे तो यह सीजियस पद्धति है, तो सीजियस में ये किलोग्राम ग्राम में हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में, और नीचे ये भी सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसी चीज को यहां पर पुट कर देना है, और जब पुट कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। तो चलिए मैं पुट कर रहा हूं यहां पर। तो N2 बराबर M1, पहली पद्धति है ना ये, तो यह किसमें होगा? M1 माने ये तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान किसमें होगा? किलोग्राम में। तो लीजिए हम किलोग्राम लिख दिए, और बटे में M2, तो यह M2 किसमें होगा? ग्राम में, तो बटे में ग्राम, और इसका पावर 1 है सूत्र में। उसके बाद से L1, तो पहला किसमें होगा? मीटर में, और दूसरा किसमें होगा? ये वाला L2 वाला, तो सेंटीमीटर में। इसका भी पावर कितना? 1। और देखिए ऊपर वाला पहला T1 किसमें है? सेकंड में, और नीचे भी सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड, और बटे में सेकंड, और इसका पावर -2। अब देखिए अब हम इसको हल कर देंगे। हल जब करेंगे किलोग्राम बटे में ग्राम, तो किलोग्राम बटे में ग्राम को जब हल करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो यहां पर लिख दे रहे हैं हम N2 बराबर, देखिए यहां पर कहीं सूत्र में N1 छोड़ दिए हैं हम, यहां पर N1, तो चूंकि यहां पर सूत्र में N1 है तो N1 का मान कितना है? 1। तो यहां 1 रखेंगे तो कोई भी मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए N2 बराबर, अब देखिए N2 बराबर, अब ये मान किलोग्राम के जगह पर कितना लिख दें? 1000 ग्राम, और बटे में ग्राम, इसका पावर 1। और उसी तरीके से मीटर के लिए क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? नीचे सेंटीमीटर है, तो ये 1 हो जाएगा। और देखिए यहां पर सेकंड है, नीचे भी सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 1, और इसका पावर -2। अब ध्यान दीजिए ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा N2 बराबर 1000 और × 100, और देखिए 1 का पावर -2 है, तो 1 को नीचे लाएंगे तो 1/1/1 का पावर 2 हो जाएगा, और इसका कितना भी बार करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि इसके बटे में 1, अर्थात ये कितना हो जाएगा? तो इतना इतना हो गया, या इसी को लिख सकते हैं N2 बराबर 10^5। तो हमारा आंसर होगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन कहा है? तो 10^5 डाइन। N2 का मान हम लोगों ने यहां से निकाला है, यानी कि 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10^5 डाइन। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, HW आप बनाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 1 जूल में कितने अर्घ होता है, 1 जून में कितने अर्घ होता है। इसको आप हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आया है कि नहीं समझ में, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इसकी समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बीमाओं का मैं दूसरा अनुप्रयोग बता रहा हूं। इसमें हम लोगों ने एक पद्धति से केवल दूसरे में बदला, यानी कि एक पद्धति का मतलब कि MKS को CGS में, चाहे CGS को MKS में, या FPS को MKS में, किसी भी चीज को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम आसानी से इससे बदल लेंगे। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने में। तो प्यारे बच्चों अगर इस टॉपिक को हम बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को और एक और जो पॉइंट है आपका जो तीसरा नंबर कि दिए गए विमीय विधि के द्वारा विमीय विधि की सहायता से सूत्र की व्युत्पत्ति करने में, तो इन दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैंने जो HW दिया आप निश्चित बनाइएगा, किताब से अपने क्वेश्चन बनाइएगा,
किसी भी किताब से क्वेश्चन उठाइए, बनाइए, नहीं बनता है कमेंट करिए, या क्वेश्चन को लिख करके, अपना नाम लिख करके और कमेंट करिए, उस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना करके जरूर आपको या उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी सारी वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि यह एमएसटीम एजुकेशन सदैव आपके साथ निरंतर लगा हुआ है, ताकि आपका अहित न हो और आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसलिए हम प्रत्येक दिन अच्छे से आप लोगों के साथ क्लास वाइज और टॉपिक के हिसाब से प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए और हम लोग चल रहे हैं। तो पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।